तमाम कवायदों और एहतियातों के बावजूद देश में ओमिक्रॉन के मामलों पर ब्रेक नहीं लग रहा। शुक्रवार सुबह तक देश भर में कुल ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 357 पहुंच गई। गुरुवार को 7 राज्यों में ओमिक्रॉन के 96 नए केस सामने आए, जिनमें अकेले तमिलनाडु में 33 और महाराष्ट्र में 23 मरीज मिले। इन हालातों के मद्देनजर देश के कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू तो कईयों ने सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया। खासकर क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन पर शिकंजा कस दिया गया। अब आप ये भी जान लीजिए कि किन राज्यों में कौन सी पाबंदियां लगी हैं। मध्य प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। जिम, कोचिंग, थिएटर में दोनों डोज ले चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। दिल्ली में क्रिसमस न्यू ईयर पर पब्लिक सेलिब्रेशन पर रोक। अगले आदेश तक होटल, बार, रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी को मंजूरी। यूपी के नोएडा, लखनऊ में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। महाराष्ट्र में स्कूल बंद, पब्लिक सेलिब्रेशन पर नई गाइडलाइंस जारी। ओडिशा, कर्नाटक में न्यू ईयर जश्न और पार्टियों पर रोक। तेलंगाना के गुडेम गांव में 10 दिन का लगा लॉकडाउन। ओमिक्रॉन का एक केस मिलने के बाद गांव वालों ने ही फैसला लिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।